हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU कोर्स डिटेल्स के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम इन हिंदी के बारे में। अगर आप इसे परस्यू करना चाहते हैं UPRTOU से, तो क्या इसके कोर्स डिटेल्स रहेंगी, आपकी क्वालिफिकेशन, फीस और सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो स्टार्ट करती हूँ गाइज। देखिए, आपका प्रोग्राम कोर्स जो BA के लिए रहता है UPRTOU में 101 रहता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब आपकी जो बुक्स अवेलेबल होंगी वो आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो अगर आप 12th पास हैं देन आप BA हिंदी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना है, कोई भी ऐसा नहीं है क्राइटेरिया कि आपको 45% है, 60% है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कोई भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद प्रोग्राम ड्यूरेशन की बात करी जाए तो 3 ईयर्स का ही कोर्स रहता है। इसमें मैक्सिमम आपको प्लस 3 ईयर्स और मिल जाते हैं अगर आप किसी सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं देन उसे क्लियर करने के लिए। प्रोग्राम फीस की बात करी जाए तो 3700 रुपीज आपकी प्रोग्राम फीस रहती है। और इसके अंदर असाइनमेंट वर्क आपका एसेंशियल रहता है, मींस आपको अपनी फाइल्स बनानी होती है असाइनमेंट्स की, कैसे बनती हैं इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है हाउ टू मेक असाइनमेंट्स करके। सो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स इस कोर्स के अंदर स्टडी करने होंगे। सो गाइस, यहां पर जो कंपल्सरी कोर्स रहेंगे आपके, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हिंदी गद्य, सेकंड में आपका हिंदी काव्य और थर्ड सेमेस्टर में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्यिक परिचय आपका कंपल्सरी कोर्स में रहेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रयोजन मूलक हिंदी कंपल्सरी कोर्स के अंदर रहने वाला है। इन सब्जेक्ट्स के आपके असाइनमेंट बनाए जाते हैं जो भी आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर का जो एबिलिटी एनेजमेंट कोर्स रहेगा वो या तो आप हिंदी में परस्यू कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में, इन दोनों में से कोई एक आपको चूज करना होगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आपका कंपलसरी रहता है, तो आपको लेना होगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस। उसके बाद बात करते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की, तो यहां पर जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहेगा वो थर्ड सेमेस्टर में रहेगा और वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। फोर्थ सेमेस्टर में आपका कोर्स रहेगा इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म के ऊपर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के ऊपर कंपलसरी कोर्स रहेगा स्किल एनहांसमेंट कोर्स। उसके बाद सिक्स सेमेस्टर में आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऑन इंश्योरेंस को परस्यू करना होगा। उसके बाद डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव कोर्सेज आपके फिफ्थ सेमेस्टर में आपको लेना होगा। इसमें से आपको दो में चॉइस मिल जाती है, मीन्स आप तो या तो ये परस्यू कर सकते हैं या फिर ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास, समाज और संस्कृति, या फिर आप ले सकते हैं हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान को। उसके बाद सिक्स सेमेस्टर के लिए आपका कोर्स फिर से आपको चॉइस देखने को मिलेगी। इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, या तो आप आधुनिक भारतीय साहित्य, राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण को परस्यू कर सकते हैं या फिर हिंदी संरचना को। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर की बात करी जाए तो आपका ओपन इलेक्टिव कोर्स रहेगा। यहाँ पर आपका ओपन इलेक्टिव कोर्स में इलेक्टिव कोर्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या तो आप इसे परस्यू कर सकते हैं या फिर ओपन इलेक्टिव कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका सिक्स सेमेस्टर में जो कोर्स लास्ट आपको चूज करना होगा वो रहेगा इलेक्टिव कोर्स इन न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी, और या फिर आप चूज कर सकते हैं इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स, किस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, ये भी मैंने आपको इससे क्लियर कर दिया है। तो अब बात कर लेती हूँ क्रेडिट की। तो हर एक सब्जेक्ट आपका इसके अंदर 4 क्रेडिट का रहता है। ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, किस तरीके से मार्किंग होती है इसके अंदर, इससे रिलेटेड वीडियो हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स ऑफ UPRTOU कोर्सेज, ये भी मैंने आपको अवेलेबल कराई हुई है चैनल पर, आप उससे समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये क्रेडिट सिस्टम रहता है। सो गाइज, ये थी सारी डिटेल्स। उम्मीद रखती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।